किशनगंज एएमयू सेंटर फंड की मांग को लेकर आज आईटी सेल के जिला महासचिव पूर्व विधायक प्रत्याशी शंभू यादव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अनशन पर बैठ चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने किशनगंज के युवा से एक बार फिर अपील की है इस अनशन में आकर उनका साथ दे और सीमांचल के शिक्षा को बढ़ावा दे। हर दल के नेता से भी सहयोग मांगा है। इस अनशन में उनका साथ देने आए किशनगंज एनएसयूआई के अध्यक्ष नदीम शहजादा, मोहम्मद मुस्तफा, शबाब अनवर, सदाम अफराज अली, नेहाल समीर। बीएनपी न्यूज के लिए किशनगंज से संवाददाता चमन अली की रिपोर्ट। क्या चीज लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम पिछले 2-3 दिन पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कहा था कि मैं अनशन पे एमयू के लिए बैठ रहा हूँ और मैं शांतिपूर्ण तरीके से, और लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन कोरोना का है, इस मामला को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करते हुए हम लोग एमयू फ्री फंड रिलीज के लिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक अपील है किशनगंज के युवाओं से और नेताओं से कि सारे पार्टी के नेता एक स्टेज पर आना होगा, सभी जनता को एक स्टेज पर आना होगा, तब हमारा किशनगंज आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा के मामले में किशनगंज बहुत पिछड़ा है। हम युवाओं से अपील करते हैं कि जो भी मतभेद है, आपसी मतभेद, पार्टी राजनीति लेके, वो सबको भूल भुला के किशनगंज और सीमांचल की बदहाली जो अभी है उसको आगे बढ़ने में अपना योगदान दे, और जैसे भी हो सके यूएमई रिलीफ फंड के लिए, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो या ट्विटर के माध्यम से हो या जमीनी स्तर से हो, जैसे हम आ गए हैं। मैं ये युवाओं को एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि मेरे हमको देख के कम से कम कुछ युवा और भी तरीके से यूएमई के लिए अपना मामला उठा, ताकि जल्द से जल्द बने, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, यहाँ के बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ पे अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन जाती है तो यहाँ का गरीब का बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, इसलिए मैं अनशन पे बैठा हूँ।